दोस्तों गर्मियों का सीजन अब आ चुका है। अगर आपके पास है ओ जनरल का विंडो एसी या स्प्लिट एसी और आपको डाउट है कि किस फंक्शन का क्या यूज होता है, किस फंक्शन को कब यूज करें, तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा हेल्प करेगा। आज की वीडियो में आपको सारे फंक्शंस को हम एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस फंक्शन को आपको कब यूज करना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। अगर आपके ओ जनरल का भी एसी इसी डिजाइन का है तो आपको वीडियो हेल्प करेगा। जल्दी से आपको इसके फीचर बताना स्टार्ट करता हूँ। तो सेंटर में आपको ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है जिससे आप अपने एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि जब आप ऑफ करते हैं तो आप देखेंगे आपका डिस्प्ले भी यहाँ पे ऑफ हो जाता है। ये फीचर आपको दूसरे ब्रांड्स में बहुत कम देखने को मिलेगा। एसी को ऑफ करने के बाद भी आपका डिस्प्ले वहाँ पे ऑन ही रहता है। तो जब इससे आप एसी को ऑन कर देंगे तो इसमें आपको आपको कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, मोड्स मिल जाएंगे, ऑटो, कूल, ड्राई एंड फैन। इस साइड भी आपको ऑटो, हाई, मीडियम, लो मिल जाएगा। इन मोड्स को कंट्रोल करने के लिए आप मास्टर कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऑटो मोड पे रखता हूँ तो एसी अपने आप रूम के टेम्परेचर को, फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है और एसी के टेम्परेचर को बढ़ाना है, घटाना है, जो भी करना है ऑटो मोड में अपने आप करता है। तो अगर आप इस मोड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एसी आप अपने आप बढ़ाएगा घटाएगा। बट इस फीचर का एक लॉस ये होता है, अगर आप ऑटो मोड में रखते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। सेकेंड इसमें जो आपको मोड मिलता है वो है कूल का। कूल मोड में आप अपने आप रूम के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। अगर मैं रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री या 21 डिग्री रखता हूँ तो रात भर एसी का टेम्परेचर जो है वो 20 से 21 डिग्री ही रहेगा। अगला फीचर आपको इसमें ड्राई मोड का मिल जाता है। ड्राई मोड में बेसिकली होता क्या है, जब भी आपने देखा होगा रेनी सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट बढ़ जाती है। तो उस समय आप जब भी अपने एसी को रन करते हैं तो उस समय आपके रूम में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट लगती है। उसी चिपचिपाहट को खत्म करने के लिए, मॉइस्चर को खत्म कम करने के लिए आप ड्राई मोड पे एसी को अगर रन करेंगे तो आपका एसी कूल तो करेगा मगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर को खत्म कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी नॉर्मल फैन के तरीके से वर्क करे तो फैन मोड में ले जाने से, अगर जब भी आप मास्टर कंट्रोल से उसको फैन मोड में रखेंगे तो आपका जो एसी है वो एज अ फैन वर्क करेगा, मतलब एक नॉर्मल पंखे की तरह हवा फेंकेगा। वो ना ठंडा करेगा ना गर्म करेगा, जैसी भी बाहर की हवा है उसको अंदर फेंकेगा। तो इस तरीके से आप इन मास्टर कंट्रोल से सारे मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फीचर मिल जाता है फैन कंट्रोल का। फैन कंट्रोल से आप जो फैन की स्पीड होती है एसी के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप, मैं एक बार करूँगा ऑटो मोड में, तो ऑटो मोड में एसी अपने आप फैन की स्पीड को कंट्रोल करेगा। अगर इसको मैं हाई पे रखता हूँ तो फैन की स्पीड जो है वो हाई पे रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, और मीडियम पे और लो पे उसके अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा होगी। वैसे ही जैसे आप अपने फ़ैन की स्पीड को रेगुलेटर से कंट्रोल करते हैं कि फ़ैन तेज़ चले, धीरे चले, वैसे ही आप इस फ़ैन कंट्रोल से इसकी स्पीड को लो, मीडियम, हाई, ऑटो कंट्रोल कर सकते हैं। इन सेंटर बटन से आप अपने एसी के टेम्परेचर को बढ़ा और घटा सकते हैं जैसे भी आप करना चाहते हैं। आपको मैंने स्टार्ट स्टॉप बता दिया। सुपर वेव वाला आपका, आपकी जो ये होती है फ्लैप्स होते हैं उनके स्विंग को कंट्रोल करने में काम करता है। आपको यहाँ पे टाइमर का भी ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर ऑन एंड ऑफ, और उसको सेट करना है या कैंसिल करना है आप उसको कर सकते हैं। टाइमर में बेसिकली होता क्या है, आप जैसे भी मैं इसमें टाइमर 1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहा हूँ, और ऑफ का और ऑन का भी आप लगा सकते हैं। और उसको सेट करना है तो आप सेट पे क्लिक कर देंगे, और अगर कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली टाइमर ऑन एंड ऑफ क्या वर्क करता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी 2 घंटे बाद अपने आप ऑन हो जाए तो आप टाइमर ऑन लगा सकते हैं और उसमें घंटे लगा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एसी अभी मैं चाहता हूँ 2 घंटे बाद ऑन हो जाए, तो जैसे भी मैं सेट पे क्लिक कर दूंगा तो एसी अपने आप 2 घंटे बाद एसी ऑन हो जाएगा। वैसे ही आप चाहते हैं कि रात को जब आप सोए हुए हैं और एसी आप चाहते हैं कि अपने आप ऑफ हो जाए, आपको खुद उठ के एसी को ऑफ ना करना पड़े, तो आप ऑफ में जाके, टाइमर ऑफ में जाके अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि एसी अपने आप फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे बाद ऑफ हो जाए। तो मैं इसको सेट पे क्लिक करूंगा तो एसी अपने आप रात को 3 घंटे बाद चलने के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी फीचर्स मिल जाते हैं ओ जनरल के रिमोट में। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।